आप शो देखेंगे तो लोगों को तो ये इस बात का एहसास हो ही चुका है कि ये कहानी कितनी मायने रखती है, कितनी स्पेशल है, प्रोमोस ट्रेलर सब देखकर। लेकिन जब आप पूरा शो देखेंगे, 8 एपिसोड देखेंगे, तो आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि क्यों मैं इतनी भावनात्मक हो चुकी हूँ, क्यों मैं इतनी भावुक होकर इतने प्यार से हर चीज़ जो काफिर से जुड़ी हुई है उसकी बात करती हूँ। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बहुत कम बार एक इंसान को ऐसी कहानी से जुड़ने का मौका मिलता है, और अगर मिल गया है तो फिर उसका एहसास पूरी तरह से हमारे अंदर समा जाता है। ये जो कहानी लिखी गई है इन्हीं प्रेजुडिसेस को एड्रेस करती है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसे माहौल में आज के वक्त आपने पाकिस्तानी का किरदार निभाया, आपको डर नहीं लगा, इसी डर को पर सवाल उठाता है काफिर, इसी डर को ख़त्म करने की बात करता है काफिर, तो मुझे और भी अच्छा लगता है कि हमने ये कहानी कही है और ये लोगों तक पहुंचेगी। और जो इंसानियत की बात हम कर रहे हैं, देखिए प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में, सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में एक अनफॉर्चुनेट लेंस से लोगों को देखा जा रहा है। यू नो द लेंस ऑफ रिलीजन, द लेंस ऑफ कल्चर, कंट्री, कास्ट, एंड दीज आर वेरी अनफॉर्चुनेट वेज टू व्यू ह्यूमैनिटी। वी शुड नॉट बी प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट पीपल बिकॉज ऑफ अ रिलीजन दे बिलोंग टू, और अ कास्ट दे बिलोंग टू, और अ प्लेस दैट दे बिलोंग टू, एंड दैट्स प्रिसाइसली वॉट काफिर एड्रेसेस। एंड जब भी कोई सवाल उठाता है या कुछ गलत कहता है, मैं मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि काफिर के द्वारा उन्हें काफ़ी जवाब भी मिल जाएंगे। हम कश्मीर में शूट करने वाले थे पर कश्मीर में नहीं शूट कर पाए, क्योंकि पुलवामा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, और पुलवामा होने के बाद हमको शूटिंग का की परमिशन नहीं मिल रही थी। तो हमने हिमाचल में जाकर, जो छोटा कश्मीर कहा जाता है जिस एरिया को, जो तिब्बत बॉर्डर के बहुत करीब है, सांगला और कल्पा नाम के जगहें हैं, वहाँ पे शूटिंग की। और इस बात के बावजूद कि शो के अंदर इतना दर्द है, इतने सारे मोमेंट्स हैं जिसमें इतना दर्द है, इतनी लाचारी है, इतना आई थिंक रूह को कपाने वाली चीज़ें होती हैं, मुझे कभी भी वहाँ पे थकान महसूस नहीं हुई। क्योंकि जब आप ऐसे माहौल में काम कर रहे होते हो जहाँ पर आप कुछ भी देखें, खूबसूरती नज़र आए, खुलापन, साफ हवा, अच्छे लोग, और फिर जब ऐसे यूनिट के साथ आप काम करें, ऐसे डायरेक्टर के साथ, ऐसे को एक्टर्स के साथ, ऐसे सिनेमाटोग्राफर के साथ जो बिल्कुल पूरी तरह से कहानी में समा गए हैं, तो the environment that you're working in, obviously the physical place and the people make a big difference.